हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। और ये वीडियो है वॉल पेंट की, और ये मेरी डॉटर का रूम है। तो मैंने सोचा इस लॉकडाउन में क्यों ना मैं कुछ फ़ायदा उठाऊँ, तो मेरा ये काम पेंडिंग था, तो मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इस वॉल को नया लुक देने के लिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूरी दीवार को साफ करके, इसको क्लीन करना है। और अब सेकंड काम है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने नेल लगाए होते हैं, जहाँ पे कुछ पेंटिंग या कुछ टांगा हुआ होता है, तो जो नेल हटाते हैं हम, जो छेद हो जाते हैं, उसको हमें होल को भरना होता है। तो उसको मैं सीमेंट से भर रही हूँ, वाइट सीमेंट से। और गाढ़ा सा पेस्ट बना के हमें पत्ती की हेल्प से मैं इसको बंद कर रही हूँ, जितने भी होल हैं। और सामने की वॉल पे जो रफ एरिया है, वहाँ पे मैं जो उसका जो सैंड पेपर होता है, उससे मैं इसको रब कर लूँगी अच्छे से। और एक बार जब कारपेंटर ने अलमारी ठीक करने के लिए चारों तरफ से तोड़ के इसको रफ करा था, तो उसे प्लेन कर लूँ। और इस तरह का काम करते वक्त अपने फेस पे हैंकी ज़रूर ढक लीजिए, बिकॉज ये बहुत सारी डस्ट इसमें से झड़ती है जब घिसते हैं तो हम इसे। और पेंट शुरू करने से पहले हमें न्यूज़ पेपर ज़रूर बिछाना है नीचे। और ये ले ली है मैंने मास्किंग टेप, तो हमें डिज़ाइन जो हमें बनाना है इससे करना है। और अब मैं ऊपर के साइड से जहाँ पे पीओपी का डिज़ाइन है, वहाँ से मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ, ताकि पेंट हमारा ऊपर उस तरफ ना लगे। और अब अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें मास्किंग टेप लगानी है। और इस टाइप का मैंने डिज़ाइन अपना एक सोचा हुआ था कि मुझे डॉटर के रूम में मुझे इस टाइप का ही बनाना है, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आजकल बहुत ट्रेंड में है डिज़ाइन ये वाला। और ये अपनी आप वॉल पे करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइप से जैसे मैंने वाई का मैंने शेप मैंने सोचा हुआ था, तो उस टाइप में फिर हमें उसमें मास्किंग टेप लगानी होती है पहले। और अब हमें जो सामान लेना है वो मेरा ये पेंट है। फ्रेंड्स, ये जो मेरा एक बार काम हुआ था तो ये बचा हुआ था, आप देख रहे होंगे क्वांटिटी कितनी है। तो इसी में मैं वॉल करूँगी। इसमें मुझे दो कलर मैंने बनाने हैं और तीसरा वाइट रखना है। तो ये है मेरा एशियन पेंट्स का एक्सटीरियर इमल्शन, वाइट वाला। और अब मैं इसको निकाल के इसमें कलर बनाऊंगी दूसरा। और अब मुझे बनाना है लाइट पिंक कलर, और ये स्ट्रेनर है रेड कलर में, तो इसको थोड़ा सा डाल के मैं इसको पिंकिश में लाऊंगी। इस कलर को पिंकिश में बनाना है मुझे। और ये बन गया है कलर वाला जो मुझे चाहिए था। और अब रोलर की हेल्प से हम इसमें इसको अप्लाई करेंगे, और जिसमें रोलर को डिप करते हैं। स्क्वायर वाली ट्रे तो नहीं थी मेरे पास, बट मैंने जो मेरे पास डिस्पोजेबल ट्रे थी मैंने उसी से कर लिया। मैंने जो आपको पेंट की बकेट दिखाई थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, उसको थोड़ा पतला किया था, थोड़ा सा पानी डाला था मैंने उसमें। और जितने भी सामान हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी सबके नाम। और इस तरह से हमें टेप भी अप्लाई करनी है। और अब जिस तरफ में मैं मार रही हूँ वहाँ पे पेंट, उस कॉर्नर पे मैंने टेप अप्लाई कर दिया, तो उस तरफ वो कलर नहीं जाएगा। और अब मुझे बनाना था दूसरा कलर, और वो मुझे लाइट ग्रीन चाहिए था, मिंट वाला। और अब मैं जो मास्किंग टेप लगाई हुई थी मैंने वो निकाल रही हूँ, बिकॉज मुझे गैप वाली लाइन नहीं चाहिए, मुझे मिली हुई लाइन चाहिए, तो इसलिए निकाल रही हूँ। और अब जो मैंने सेकेंड वाला कलर बनाया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और मास्किंग टेप की वजह से ये दूसरी तरफ कलर नहीं जाएगा। जब मास्किंग टेप लगी रहेगी तो दूसरी तरफ कलर नहीं चढ़ेगा उससे। और जो स्विच बोर्ड है उससे मैंने सेलो टेप लगा दी, सेलो टेप से कवर कर दिया ताकि उस पर कलर ना चढ़े। और अब अगला कलर करने के लिए इस तरह से हमें टेप लगानी है। और इस टाइम मेरी मास्किंग टेप खत्म हो गई थी, तो मैं दूसरी वाला टेप लगा रही हूँ। और जो वाला टेप यूज़ करी है उसमें ज़्यादा ग्लू नहीं है, इस टाइप की ही टेप लेनी है हमें। और जब पेंट हो जाए तो इस तरह से टेप को निकालनी है। टेप की वजह से बिल्कुल अच्छे से वो आया है, एक दूसरे पे कलर नहीं चढ़ा है। और जो बीच में है वो है वाइट कलर, रखूंगी मैं इसमें, वाइट कलर कर रही हूँ। और अब इस तरह से ये वॉल मेरी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से मैंने कर दिया है वॉल का लुक चेंज, बट अभी इसमें थोड़ा सा भी काम बाकी है। तो हमने मैंने जो इसमें डिज़ाइन रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो बीच की जो शेप आ रही है वी टाइप की, तो उससे मुझे डॉट लगाने हैं। अब वो डॉट वाला स्टार्ट करूँगी अब मैं। और डॉट के लिए मैंने लिया है एक्रिलिक का मेटालिक गोल्ड कलर लिया है मैंने। आप दूसरे डॉट भी लगा सकते हैं, जैसे गोल्डन पेपर से भी।
और राउंड वाली जो इसकी जो सर्कल वाला शेप चाहिए मुझे, तो उसके लिए ले ली है मैंने अपनी एक क्रीम की डिब्बी, तो उसी से मैं डॉट बना रही हूँ। और अब इसमें करना है गोल्डन कलर अप्लाई, इसके अंदर कर रही हूँ मैं। और मैंने इस साइज़ का मैंने अपना डॉट बनाया है, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। और आपके पास अगर गोल्डन पेपर हो ना, तो उसे भी आप राउंड शेप में कट करके भी आप इसको उसे स्टिक कर सकते हैं वॉल पे। और आजकल ट्राइंगल, जो छोटे छोटे ट्राइंगल होते हैं, वो भी बहुत ट्रेंड में है वॉल पे। अगर आप पूरी वॉल पे करें, वो भी बहुत ट्रेंड में, बहुत अच्छे लगता है वो डिज़ाइन भी। और मैंने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मैंने इसको पहले ड्रॉ कर लिया था और देन कलर अप्लाई किया। और अब ये कंप्लीट हो गया है। और जो कंप्लीट हुआ है उसके बाद जो आया है वो रिज़ल्ट ये है कि एक जो पूरी डल सी वॉल थी एक, अब वो इस तरह से आई है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल लग रही है वॉल। और जो इसका डिज़ाइन बनकर आया है वो अच्छे से पॉपअप होकर आ रहा है वॉल में, इतनी अच्छी लग रही है ये वॉल। और जब मैं पेंट कर रही थी तो मैंने जो मेरे कारपेंटर ने सामने अलमारी में जब काम किया था, तो उन्होंने एक बहुत रफ उसको छोड़ दिया था उसके चारों तरफ, तो मैंने उसको भी ठीक कर दिया, वहाँ पे मैंने वाइट पेंट कर दिया। और इस तरह से कुछ फाइनल लुक इस तरह से है ये इस वॉल का। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से आप अपनी वॉल को नया लुक दे सकते हैं इस लॉकडाउन में। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।